सिक्स तक है ये। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 1 + 5x / 2, वाई इज इक्वल टू 1 - x। उड़ा दूंगे इसे, उड़ा दूंगे इसे। टू एक्स इज इक्वल टू 3√y। इसकी तो फोटो बनाने के भी पैसे हैं। बिल्कुल है सर, दो तीन तो बना ही दोगे, दो तो बना ही लोगे कम से कम। बनाओ बनाओ, और मेरी शक्ल मत देखो, दो तो बनाओ कम से कम जल्दी से। इतना तो फिजिक्स वाले भी सिखा के रखते हैं। y इज इक्वल टू 1 + 5/2x का स्लोप तो है 2.5 और y इंटरसेप्ट है 1, तो 2.5 स्लोप की लाइन तो काफी उठी भी होनी चाहिए और 1 से पास होगी, तो लगभग ऐसी होनी चाहिए। काफी उठी भी तो नहीं बनाई मैंने, ठीक है फिर भी बना तो दी। ये तो बनी है, हाँ नीचे वाला 1/2 गुना दिखना चाहिए था, पर नहीं दिख रहा, क्या करें। चलो हाँ, दूसरी लाइन y इक्वल्स टू 1 - x की है, तो जाएगी तो पास तो यही 1 से होगी, लेकिन -1 स्लोप की है, तो इसका मतलब ये गिरती भी होनी चाहिए, ये कुछ ऐसी होगी, मान रहे हो यार। इनमें तो खैर देखो कलाकारी थी नहीं, इन दो में तो कलाकारी तो तीसरे में ऑब्वियसली, तीसरा क्या है बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्वाड्रेटिक का हाफ, बहुत सही। एक्चुअल में अगर मैं उसे स्क्वायर करूं, ऐसे ही देखना पड़ता है भाई, उसका तो कौन बनाया ग्राफ, नहीं तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये y इज इक्वल टू 4x² / 9 का आधा हिस्सा है ये, और जिसमें x कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, x पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव कह लो, तो x पॉजिटिव मतलब इस साइड वाला बनेगा। ये तो माउथ ओपनिंग अपर पैराबोला, सिंपल यार, ओरिजिन से पास होने वाला है ना। कि सर इसकी कोफिशिएंट तो सूग लेके दे रखे हैं, अब वो इनके साथ थोड़े अच्छा सॉल्यूशन देंगे ना, इसलिए देने को तो y इक्वल टू x² भी दे सकता था, अच्छा आंसर भी आना चाहिए इनके साथ। ऑरेंज हो गया, रेड देखो, तो एक पैराबोला बना देते हैं इधर, ये सीन है भाई। अब एरिया अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपनी कॉपी में पहले तो शेड करो कि आपको एरिया कौन सा निकालना, क्योंकि सबसे पहला डिसीजन, सबसे फर्स्ट डिसीजन एरिया का है कि आपको एरिया सही चमकना चाहिए, तब तो फायदा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं तो है ही नहीं। आपने लाइन ज्यादा उठा दी ना एक्चुअली, डाई वाली, तो पैराबोला कम सर्कल ज्यादा लग रहा है अभी। वो पीछे वाली का देखो, उसको तो कोई कटेगा ही नहीं, वो तो अगर लाइनें खींच खींच के तुम्हारी कॉपी तक भी आ जाए ना तब भी उसका पैराबोला उसकी लाइन को नहीं काटेगा एरिया डिटरमाइन करिए पहले। सेंड्रा
सिर्फ इतना ही लेना चाहिए यहां से लेके बस, ये ऑरेंज बाउंड्री, रेड बाउंड्री, ब्लैक बाउंड्री है, समझ रहे हो क्या? अब चैप्टर आता है कि ये एरिया निकलेगा कैसे, ठीक है? बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखते रहना, अभी तो शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, बाकी सब आपको ही करने, फिर आधे आधे छोड़ छोड़ के अपन सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। सबसे पहले तो मेरे को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वाली लाइन तो y=1 - x की है, और ये ऑरेंज वाला, ये रेड वाला ग्राफ 4x² - 9 का है। अरे सॉल्व तो इसी के साथ करूंगा भाई साहब, सॉल्व कर दूं तो 4x² - 9 = 1 - x, ये तो क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है भाई, 4x² + 9x आ गया क्या? तो बोलो ना फिर जल्दी क्या है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं भाई साहब 3/4, 1/4। मास्टर भाई कहां से लाया इसमें, टोक के लाया और कहां से लाया? तुम तो एक्स बता दो भाई, तो मैं निकाल ही लूंगा, इतना तो मेरे को भी आता है। हाँ अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, कितने इसके, 3/4, दिल नहीं मान रहा भाई, दिल कह रहा है कि 6/16 होना चाहिए, और दिल ने बिल्कुल सही कहा, इसकी कोऑर्डिनेट 6/16 है। मास्टर तेरो कैसे चमका, इसी से लाया 3/4 से, 3 पे कट रहा था ना ये 9, तो 6 का सोच लिया, तो 6 से 16 आएगा, इधर 6 होगा, इधर भी 16 आ रहा है, तुक्का बैठ गया भाई, तो 6/6। अरे सॉल्व करके ला सकते हैं भैया, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक की तो सॉल्व करनी है, सिंपल सिंपल फैक्टर आएंगे। अरे इसने 3/4 बोला ना, उससे मैंने तुक्का मार दिया, 6 कर ले, 3 से बैठ नहीं रहा था इसलिए यार। अरे 3/4 इसमें ठोका, सेटिस्फाई करना चाहिए था ना, नहीं कर रहा था तो 6 सोच लिया, नहीं होता तो 9 सोच लेता, फिर ये कट रहा था ना एक्चुअली ये 9, इसलिए 3 का मल्टीपल सोचना जरूरी था। हाँ क्या, तो ये 3/4, 1/4, और ये, ठीक है? अब सुनो मैंने इसको कैसे निकालूंगा, मजेदार है, ऐसी बात नहीं है, चुप रहना एकदम बिल्कुल। नाउ वी हैव मिलियंस ऑफ अप्रोचेस टू सॉल्व दिस, है ना, एंड आउट ऑफ दिस मिलियंस ऑफ अप्रोचेस द फर्स्ट वन इज दिस। मतलब पहली बात तो सीधी सी, या तो आप इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप से कर सकते हैं, सीधा सा कंसेप्ट तो ये है, ठीक है? तो पहले मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसे हॉरिजेंटल स्ट्रिप से करूं, क्योंकि बहुत आसानी से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकल रहे हैं। आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप से क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई मार्केट में अवेलेबल हो, या आप निकाल सकते हो। अरे भाई ये चाहिए ना हॉरिजेंटल स्ट्रिप के लिए एक्स यार, क्योंकि एक्स ही तो उसकी हाइट, वो लेंथ देता है, समझ रहे हो क्या? ठीक, अब समझने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, दिमाग लगाना पड़ती। यहां से हमने इसको बांट दिया 1 से, है ना, इस तरीके देखना, क्योंकि 1 तक क्या है, बाउंड्री रेड और ऑरेंज की है। राइट साइड में कौन सी बाउंड्री है, रेड, और लेफ्ट में, तो रेड माइनस ऑरेंज मेरे को इनमें आने वाली स्ट्रिप्स की तो लेंथ दे देगा, और इसके बाद 6 तक रेड माइनस ब्लैक मेरे को हाइट दे देगा, खत्म हो गई बात, बस सिंपल। ये तो हुई सिंपल बात, क्या देखो, 0 नहीं बोला, 0 से नहीं, गेल से पे, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1/4, 1/4 से लेके 1 तक है, 1/4 से लेके 1 तक, तो रेड माइनस ऑरेंज, रेड कौन है भाई साहब, 3/2 √y, ये है एक्स, 4y है 9, नहीं, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए, माइनस ऑरेंज कौन, ऑरेंज याद है क्या, 1 - y, दिस डी वाई विल गिव मी दिस वाला एरिया, हमारा तो 100% खून सूख चुका है,
मेरे और एक प्रीत जी के साथ, आंखें बाहर आ चुकी एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जिंदा है कि नहीं है। सब सही चल रहा है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। वन से लेके 16 ये गेल सिप्या, मैंने 6 लिख दिया तो 60 हो गया क्या चंपू? वाई तो 16 है ना, वन से लेके 16 तक। रेड रेड इज 3√y/2 माइनस, टू वाई माइनस वन ए 2/5 डी वाई शुड गिव यू द आंसर। ठीक है, देखो भाई साहब, एक एरिया तो है ये, आपने इसकी वैल्यू निकाली बड़ी ही शिद्दत से, अच्छी बात है, गुड शाबाश, मुझे में बहुत खुश हुआ। ये वाला एरिया आ जाएगा इससे। अब कभी कभी क्या कुचड़नी रहती, कई लोगों में अलग अलग किस्म के लोग हैं, मार्केट है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। लोगों ने बोला नहीं सर ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करो यार, हॉरिजॉन्टल से करा ना, वर्टिकल स्ट्रिप से करके। ठीक है, देखो मैं दोनों तरीके से करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मेन पर्पस बताया था आपको, थॉट आना चाहिए कि उससे अगर मेरे को निकालना पड़े तो मैं किसको जोड़ूंगा किसको घटाऊंगा। ये तो चमके कम से कम, चमकना तो चाहिए ना यार। ये उड़ा रहा हूँ ग्राफ, फिर से बनाऊंगा, इसमें फील नहीं आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उड़ा रहा हूँ, बोलते भी नहीं है कुछ, गर्दन हिलाते रहेंगे, मेरे गर्दने थोड़ी दिखती रहती। सबसे पहले पैराबोला ही बना देते हैं, फिर वो क्या लफड़ा पड़ जाता है ना, लाइनें काटते ही नहीं पैराबोला। अब लाइन ऐसी बनाएंगे जो काटे। अच्छा ये तो सिंपल पड़ गया यार, ये तो वर्टिकल स्ट्रिप से भी सिंपल है, मैं तो बेकार में ज्यादा कोशिश कर रहा था। अगर क्या है भाई, पता ही नहीं तुम्हें क्या हो गया, मत करो जो भी कर रहे हो, अब तो जो भी कर रहे हो वो ही मत करो, तसल्ली से बैठो, पता भी नहीं पड़ता तुम लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे तो चुप रहो ना, लेकिन जो भी कर रहा है यार, एक तो मैं कुछ सोच रहा हूँ फिर ऊपर से बहस और कर रहे हो। पॉइंट भूल गया देखो तुम लोगों के चक्कर में। नहीं अभी तो मेरे को वर्टिकल स्ट्रिप में तो सिर्फ एक्स चाहिए ना, आई नीड ओनली एक्स। तो वैसे तो बहुत आसान हो गया देखो वर्टिकल स्ट्रिप से भी, पहले मैं सोच रहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर खींच लूं, अगर मैं इसे ऊपर खींच लेता हूँ 3/4 की लाइन को, तो ये वाला जो एरिया है, समझ सुन रहे हो क्या है, ये रेड माइनस ब्लैक से मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, मुझे रेड का वाई चाहिए, वो तो दिया हुआ है 1+5x/2, और मुझे ब्लैक का वाई चाहिए जो कि दिया है 1-x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बीच की स्ट्रिप की हाइट दे देगा। है अच्छा, ये रेड वाई लाइन पता है 3/4 से लेके 6 तक, ये वाला पॉइंट 6,
थ्री बाय फोर से लेके सिक्स तक जौन सी भी स्ट्रिप्स बनेगी बीच में, इनकी हाइट रेड माइनस ब्लू से मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं चमक रहा कि एकदम? हाँ क्या नहीं चमका? तो भाई साहब इस हिसाब से आंसर देखो, ये तो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का आंसर। अब वर्टिकल स्ट्रिप का आंसर, ए इज इक्वल टू जीरो से थ्री बाय फोर वन प्लस फाइव एक्स बाय टू माइनस वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस थ्री बाय फोर से सिक्स वन प्लस फाइव एक्स बाय टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय नाइन डी एक्स। अरे इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर बाय नाइन है भाई, ब्लू की y की वैल्यू तो वही है। दिस शुड ऑल्सो गिव मी द आंसर। घर पे जाके आपके जो अधिकार हैं, परम अधिकार, वो ये बोलते हैं कि आपको इन दोनों से आंसर निकाल के सुकून के पलों का आभास करना चाहिए कि सेम आंसर आया। विश्वास तो तभी जगेगा ना। अब एक्चुअली मैं जैसे पहले करना चाहता था वैसे बता रहा हूँ आपको। सुन रहे हो सब लोग ढंग से? मजा आएगा काफी आपको, मतलब एकदम ही बिल्कुल, मतलब असीम भिखारी होता है ना जो, सच में वो इसे कैसे करता बताऊं? सुनो, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इसको ओ मान लिया, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। जिसे नहीं समझ में आया ना बिल्कुल कोशिश ही मत करना समझने की ज्यादा, और दोबारा पूछना ही मत, क्योंकि समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है। किसी तरह से इस ओ ए बी सी का एरिया निकाल लें, विच इज अ ट्रेपेजियम, जिसका एरिया निकालना बहुत आसान है। ट्रेपेजियम मान सकते हैं इसे? रोम्बस तो नहीं है, ट्रेपेजियम ही है। हाँ सही है, अब हो जाता है कन्फ्यूजन। ये पैरेलल साइड है ना यार, तो इसका एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं। वैसे बता देता हूँ, हाफ सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन इंटू सिक्स, तो सेवनटीन बाई ट्वेल्व इज द एरिया। तो आंसर पक्का सेवनटीन बाई ट्वेल्व से कम है। अगर उससे ज़्यादा आंसर आ गया तुम तो निपट लिए फिर, ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर ऑप्शन में 17 बाई 12 से ज़्यादा आंसर लिखा है तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर सकते हो। अरे स्ट्रेपेजियम से तो कम ही एरिया है ना भाई, सही है। चलो, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर मैं जीरो से लेके सिक्स तक इस पैराबोला को इंटीग्रेट करता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये एरिया गायब हो जाता है। ये एक सोचने का तरीका है भाई आपको, मेरे को सिर्फ ये देखो, मेरा सिर्फ इतना सा एम है कि आप इस फोटो को देख के कितना सोच पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर वो एक्सप्रेशन आपको इतू सभी समझ में आ गया ना अगर, तो फिर तो अपन एरिया अंडर द कर्व में तो फाड़ फूड देंगे। फिर 2% भी समझ में आ गया, 2% भी बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, 0.1% माय एरिया विल बी कितना आया था 17 बाय 12 माइनस 0 से लेके 6 तक आई इंटीग्रेटेड 4x स्क्वायर बाय 9 dx। ठीक है, देन आई फर्दर सब्ट्रैक्टेड, डेट तो कोई नहीं करेगा, एकदम चुप रहेगा। ये वाली लेंथ 1 बाय 4 थी, मानना ही पड़ेगा ना, नहीं समझ में आता तो मानना पड़ता है भाई। चलो फिर भी देखो मैं कितना शरीफ आदमी हूं, इतना भी लिख के बता रहा हूँ, देखो इससे शरीफ आदमी कहाँ मिलेगा तुम्हें। तो 3/4 से कर लेता गिल सिप पे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं पहले अनाड़ी था ना भाई, मुझे क्या पता था कि मुझे फिर से जोड़ना पड़ेगा। दिस इज माय आंसर, मतलब इसकी जगह यहाँ 3/4 से 6 भी कर सकते थे डायरेक्ट। मास्टर तूने क्या किया, नाइस क्वेश्चन। इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के अगर ये वाला एरिया किसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या मुझे अपना आंसर मिल जाना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के पहले 0 से लेकर 6 तक इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इस पूरे ये ब्लू के नीचे वाला पूरा एरिया आ गया।
मैं क्या चाहता हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर इंटीग्रल एरिया कौन सा दे रहा है। ये जीरो से लेकर सिक्स तक का जो एरिया है ना, ये ब्लू बाउंड्री वाला एरिया है, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, मैं खुश हो गया। अब ये चिन्नू सा एरिया और सब्ट्रैक्ट करना था, है ना। तो ये जो ट्रेपेजियम जैसा दिखा मेरे को, हालांकि करना सिर्फ ब्लू ब्लैक वाला ही था, लेकिन इस ट्रेपेजियम दिखा मेरे को, तो मैंने फिर से एक ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया ये रहा। फिर मेरे को लगा कि अरे यार ये तो डबल बार सब्ट्रैक्ट हो गया साला, तो एक बार ही जोड़ दो, तो एक बार ही जोड़ दे लास्ट में, तो ये भी आंसर हो सकता था, कुछ चमक रहा है क्या। तो इसमें एक इंटीग्रेशन करना है बस, बाकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। सोच की बात है भाई, सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, डिच। सही है, किस वाले को डायरेक्ट निकालना है, पैराबोला का ये वाला? नहीं मैडम, टेक्नोलॉजी नहीं है अभी इनका, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा ना तेरे को ये, हाफ बेस इनटू हाइट लगाएगी ना यही करेगी, और तो क्या करेगी, स्कोप ही नहीं है इसका तो। अरे फिर हाँ ये वाला ना, हाँ वो तो ठीक है, फिर वो तो सोचने के तो फिर बहुत सारे तरीके हैं। ये इस ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रायंगल का ले लो, ये जिप्या, हाँ हाँ गलत है, बॉर्डर बना, ये विक्की माउस मेरे को पागल बना देता है एक तो, जबरदस्ती कुछ भी टेंशन वेंशन करके। मैं बाबू को जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त, मैंने भी हाँ हाँ कर दिया। अब कभी कभी लिमिटेड दी नहीं जाती, लिमिटेड पूछ लेते हैं, ऊपर मतलब ये फोटो मिटाने से पहले होश नहीं आ रहा था तुम हैं? एक हाइट 16 थी, एक हाइट 1 थी, तो 16 प्लस 1 17, 17 बाय 2 इंटू 6 करना था, गेंद से पे गई, डिवाइड बाय 6 करते 51 माइनस। अभी आंसर मैच नहीं करता, घर पे तुम गाली देने लग जाते, मास्टर पागल है साला, सटिया हुआ है। थैंक यू।